नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान विष्णु की नगरी गया से 17 किलोमीटर की दूरी पे वर्ल्ड हेरिटेज शहर बोध गया के इतिहास एवं बौद्धों की धर्मस्थली महाबोधि मंदिर के बारे में एवं 80 फीट ऊंची महात्मा बुद्ध की ध्यान मुद्रा वाली प्रतिमा का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रतिमा का निर्माण जापान सरकार द्वारा किया गया है, इसलिए इसे जापानी भाषा में दाइबुत्सु कहा जाता है। दाइबुत्सु का अर्थ है विशाल बुद्ध प्रतिमा। बोध गया की पावन भूमि पर यह विशाल बुद्ध मूर्ति नागोया जापान में स्थित है, जो दाइजोक्यो बौद्ध संस्था द्वारा बनाया गया था। दक्षिण भारत के बुद्ध को श्रद्धा समर्पित करने के लिए एवं उनके उपदेश के प्रसार के लिए विश्व शांति एवं आनंद की प्राप्ति के लिए ही इस बुद्ध मूर्ति को स्थापित किया गया है। भगवान बुद्ध की यह मूर्ति इस प्रकार है कि वह कमल पर बैठे हुए ध्यान मुद्रा में है। इस बुद्ध भगवान की मूर्ति का निर्माण उत्तर प्रदेश के चुनार के गुलाबी पत्थरों से निर्माण किया गया है एवं कमल एवं मूर्ति का आधार पीले पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, जो ये सभी पत्थर लाल ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार गणपति सतपति ने इस विशाल प्रतिमा की नक्शा अर्थात मानचित्र तैयार की थी। कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता है, वहां के प्रसिद्ध मूर्तिकार ऋषिकेश दास गुप्ता ने इस प्रतिमा की मॉडल तैयार की थी और इसी मूर्ति को बनाने वाले उत्तर प्रदेश के चुनार में रहने वाले मूर्तिकार ठाकुर एंड संस ने इसे बनाया था। इस मूर्ति का जब अनावरण समारोह किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, तो इनका उद्घाटन पूजनीय दलाई लामा के कर कमलों द्वारा किया गया था, जो 18 नवंबर 1989 को हुआ था। दोस्तों महात्मा बुद्ध के प्रमुख 10 शिष्यों को इस प्रतिमा के दाएं और बाएं बाद में स्थापित किया गया था, जिसका भी अनावरण बिहार के राज्यपाल डॉक्टर ए आर किदवई के द्वारा 20 फरवरी 1996 को किया गया था। दोस्तों इस प्रतिमा को बनाने में 4 वर्ष लगे थे साथियों, एवं इस मूर्ति की ऊंचाई 64 फीट है और इनका कमल का बैठक 6 फीट है एवं नीचे की आधार की ऊंचाई 10 फीट है। दोस्तों तो ये बोध गया शहर में यह मूर्ति बहुत ही भव्य है और बहुत ही भव्य दिखता है साथियों, और इसी से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे है महाबोधि मंदिर, जहाँ पे भगवान बुद्ध को पीपल ब्रिज के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वह मंदिर भी इसी का 1 किलोमीटर आगे है, तो उसका भी इस वीडियो में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों कहा जाता है कि महाबोधि मंदिर का निर्माण महाराजा अशोक ने करवाया था, जो 260 ईसा पूर्व करवाए थे। जब महाराजा अशोक कलिंग युद्ध से विक्षुब्ध हो गए थे, तब वो महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाए थे और बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो साथियों इस महाबोधि मंदिर का भी इतिहास बहुत ही भव्य है, पुराना है, और इसके नीचे अभी भी पीपल का वृक्ष है, जहाँ पे लोग जाते हैं और शांति स्थापित करते हैं, शांति से बैठते हैं और भगवान बुद्ध को ध्यान लगाते हैं। गया शहर भी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, इसलिए गया शहर को बाहरी लोग गया जी कहकर बुलाते हैं, और उसी गया से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बोध गया, और ये बोध गया में अवस्थित है महाबोधि मंदिर, और महाबोधि मंदिर का ये परिसर देखिए कितना भव्य है, और इसके चारों तरफ बहुत से गार्डन लगे हुए हैं और इसको बहुत भव्य बनाते हैं साथियों। तो ये देखिए महाबोधि मंदिर का निर्माण, और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो पीला कलर का, वो ऊपर सोना लगा हुआ है, जो थाईलैंड सरकार ने सोना लगाया है, कहा जाता है कि वह सोना 1 क्विंटल का है। साथियों थोड़ा जब बोध गया का चर्चा हो उसमें गया का चर्चा ना हो तो ये अच्छा नहीं लगता है, तो ये साथ साथ गया को भी बता देते हैं कि हमारा गया शहर हिंदुओं का पवित्र स्थल है। यहाँ पिंड और मुंड के लिए यह शहर बहुत पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ आकर अपने पिता दशरथ के लिए पिंड दान किए थे, और उनका पद चिन्ह अभी भी बोध गया के विष्णुपद मंदिर के सामने सीता कुंड के पास अवस्थित है। तो साथियों अगर मेरा वीडियो आप लोग के पसंद आ रहा हो तो शेयर कीजिए, मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। और यदि आप लोग गया का विस्तृत जानकारी चाहिए और गया पे अगर कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम गया का भी वीडियो एक बनाएंगे और उसमें तमाम गया का विष्णुपद मंदिर, गया का मंगला गौरी, गया का दुखरनी मंदिर, अक्षय भट्ट, रामशिला, ये सीता कुंड, ये सब जो मंदिर है, इन सब पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि गया एक बहुत ही पौराणिक शहर है और गया फल्गु नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत ही पुराना शहर है। दोस्तों गया और बोध गया दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग और वायुमार्ग दोनों से जुड़े हुए हैं। ये देखिए महा बोधि मंदिर का अंदर का भगवान बुद्ध का प्रतिमा है, जो बहुत ही भव्य दिखता है साथियों। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।